CIET NCERT प्रस्तुत करता है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम अच्छा लड़का। सड़क के किनारे एक नल लगा है। बहुत से लोग बाल्टी और घड़े लिए पानी आने का इंतजार कर रहे थे। इतनी देर लग रही थी, इंतजार ही करना पड़ा। बहुत देर हो गई थी। थोड़ा बटन साइड में करो ना। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी। वो अपनी बाल्टी लिए खड़ी थी। जैसे ही पानी आया, आसपास खड़े लोग झपट पड़े और अपने अपने बर्तन भरने लगे। कुछ लोगों के पास कई कई घड़े और बाल्टियां थीं। उनको पानी भरने में काफी देर लग गई। बूढ़ी औरत बार बार नल तक पहुंचने की कोशिश करती। उसे खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। ओहो, पता नहीं कब पानी नसीब होगा, ये नंबर कब आएगा। आज तो एक बूंद भी घर में पानी नहीं है। अल्लाह, लाइन भी बहुत लंबी है। कासिम अपनी बाल्टी में पानी भरकर जब नल के पास से हटा तो उसने बूढ़ी औरत को देखा। ये अम्मा कुछ परेशान सी लग रही हैं। शायद इन्हें भी पानी चाहिए, लेकिन ये तो इतनी दूर बैठी हैं। इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि क्या उन्हें भी पानी चाहिए। मैंने तो पानी भर ही लिया है। अगर उन्हें पानी चाहिए होगा तो मैं अपनी बाल्टी का पानी इनके बर्तन में डाल दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरा क्या है, मैं तो फिर भर लूंगा। ये अम्मा भला कहाँ इतनी लंबी लाइन में लगेंगी। मैं जाता हूँ अम्मा के पास। अम्मा, अम्मा, क्या बात है अम्मा, बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं बेटा, घर में एक बूंद भी पानी की नहीं है। पानी के लिए ये लाइन भी बहुत लंबी है। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं आपके बर्तन में पानी डाल देता हूँ। उसने आगे बढ़कर अपनी बाल्टी का पानी उसकी बाल्टी में डाल दिया। हाँ, ये लो अम्मा। तुम बहुत रहम दिल इंसान हो बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। शुक्रिया बेटा। अरे अम्मा, ये तो हर बच्चे का बुजुर्गों के लिए फर्ज है। आपकी दुआ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बूढ़ी औरत खुश हो गई, कासिम को दुआएं दी और अपनी भरी हुई बाल्टी लेकर घर चली गई। सच है, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। मश्क, इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक, नल कहां लगा था। सवाल नंबर दो, लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे। सवाल नंबर तीन, बूढ़ी औरत बार बार कहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सवाल नंबर चार, बूढ़ी औरत ने कासिम को दुआएं क्यों दी। सवाल नंबर पांच, दुनिया में अच्छे लोग कौन होते हैं। दूसरों की मदद के बारे में अगर आपको कोई कहानी याद हो तो अपने साथियों को सुनाइए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अच्छा लड़का। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर मोहम्मद मौजूमुद्दीन, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज और आकाश आहूजा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम,
निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो, और प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।